बीते दिनों हिरोडी थाना और जमुआ थाना क्षेत्र में अलग अलग गृह भेदन करके चोरी की घटना को अंजाम देते हुए सातिर गिरोह को पुलिस ने अपनी तत्परता के साथ पकड़ लिया है। इसी कड़ी में गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने गुरुवार को प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। बताया गया कि खोरी महुआ एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम गठित करके तीनों थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों से दबिश देकर सातिर चोर को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें जमुआ पुलिस निरीक्षक विनय कुमार राम, हिरोडी थाना प्रभारी राधेश्याम पांडे आदि लोग शामिल हैं। साथ ही साथ लूटपाट में की गई सामग्री को भी पुलिस ने जब्त किया। जो अपराध हाल फिलहाल के दिनों में हुए हैं उससे संबंधित है, कुछ केसेस रजिस्टर हुए हैं। हिरोडी धनवार जमुआ थाना अंतर्गत जहां पे रिपोर्टिंग था कि कई दिनों से गिरोह के द्वारा गृह भेदन का कार्य किया जा रहा है, रात्रि में घर में घुसते हैं और चोरी किया जाता है इनके द्वारा। इन केसेस के भेदन हेतु एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खोरी महुआ कर रहे थे। इसी क्रम में छानबीन के उपरांत कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, चिन्हित करने के बाद कि इनके द्वारा घटना कराई गई है। तीन लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो पाई है और इनके अनुसार कुल सात लोगों का गिरोह इनका है। ये पूर्व में मासिक दागी रह चुके हैं, इनके ऊपर पूर्व में भी केसेस रह चुके हैं।